इसमें कैबेज कड़ी, जितना स्पेशल नाम है उतनी ही स्पेशल फूड है ये। टमाटर, गाजर, मटर और कुछ वेजिटेबल्स को लेके मिक्स कर लेंगे। चुलीस को अंदर की फिलिंग बनानी है जब तक वो भुनेगा। अब 3-4 पत्ता गोभी को बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब तक ये बॉईल हो रहा है तुम सब्सक्राइब कर लो चैनल को। पत्ता गोभी भी बॉईल हो गया है और अंदर की फिलिंग भी तैयार है। बॉईल कैबेज के अंदर इस तरह से फिलिंग को डालना है और उसको मोल्ड कर लेना है इस तरीके से कि ये मोल्ड खुल सकता है, तो उसको धागे से कृपया करके बांध ले। अब इस तरीके से बहुत सारे मोल्ड बना लेंगे बिकॉज हम लोग 4 जन है घर में। प्यारे से मोल्ड को गर्म तेल में छोड़ देना है, अच्छी तरीके से भूनना है जब तक ये भी कलर नहीं बदलता। एक्चुअली हमारा चैनल है ही कलर बदलने वाला। ब्राउन हो गया, इसको उठा लेंगे। अब इसमें कड़ी तैयार करेंगे। एज यूजुअल जो हम मसाले डालते हैं वही डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक, मिर्च और विभिन्न तरह के मसाले जो आपके घर में पड़े हुए हैं। अब कड़ी में टेस्ट बढ़ाने के लिए हम धनिया पत्ता डालेंगे। अब इसमें वाटर डालकर इसकी लिक्विड फॉर्म में तैयार कर लेंगे। अब इस लिक्विड में तैयार किया हुआ कैबेज को डाल देंगे और इसको ढक्कन लगा देंगे। तब तक आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, फिर से बता रही हूँ। आई होप कि तुमने कर लिया होगा, अगर फिर भी नहीं किया है तो बड़े ढीठ हो तुम। कैबेज करी अब तैयार है और घर वालों को खिलाओ। हाँ बताना, परवीन किचन से सीख के बनाया है।